हेलो एवरीवन, आज जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिक फिजिक्स का, जिसका नाम है कोलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, सो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि चार्जेस क्या है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्जेस के बेसिस पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, ये सब प्रॉपर्टीज ये सब जो है हम लोग देख चुके थे। ठीक है, सो वहां पर हमने एक चीज पढ़ा था कि दो इक्वल दो चार्जेस अगर सेम से तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर क्या करते हैं, रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, और अगर एक चार्ज दो चार्ज अगर डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, सो अभी तक हम लोग ये पढ़ करते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है कितनी ताकत से होती है, ठीक है, ये हमने अभी तक क्वांटिफाई नहीं की। हमने सिर्फ बोला कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। लेकिन वो रिपल्शन फोर्स कितना होगा, इसके इसको हमने अभी तक क्वांटिफाई नहीं किया। सो कूलॉम इज द फर्स्ट वन हु क्वांटिफाई द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, कूलॉम ने ये जो है हमको बताया कि दो चार्जेस के बीच में चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्शन फोर्स हो, उसका क्वांटिफिकेशन हम लोग किस तरीके से जो है करेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब ने क्या किया, इन्होंने जो है न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को क्या किया, उसी से जो है इन्होंने अपना जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो है कूलम्ब का जो इन्होंने बनाया। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल को क्यों लिया, तो हमको एक चीज पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल में अगर हम लोग मास को अगर कंसिडर करें, तो वहां पर कौन सा फोर्स आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। और अगर हम लोग उस पार्टिकल में जो चार्ज प्रेजेंट है अगर उसको लेकर उसको अगर कंसिडर करें, तो क्या बन जाएगा फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब एक पार्टिकल के ही क्या है, दो अलग अलग क्या है, नेचर हो सकते हैं। जब मास की बारी आएगी तो ग्रेविटेशनल हो जाएगा, और जब हमारे पास चार्ज की बारी आएगी तो कौन सा फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो कूलॉम ने सोचा कि ग्रेविटेशनल जो है वो भी एक पार्टिकल के कारण होता है जिस पर मास होता है, तो क्यों ना चार्ज भी जो है वो भी उसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो जिस तरीके से न्यूटन ने ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला दिया था कि m1 m2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, तो उन्होंने सोचा कि सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होना चाहिए। और उन्होंने हमको क्या बताया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर पार्टिकल का मास लिए थे, उसके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पर हम लोग उस पार्टिकल का चार्ज ले चल रहे हैं, यहाँ पर दोनों चार्जेस के क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और फिर उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कहां से आया, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से ही कूलॉम्ब ने क्या किया, उसका कॉपी किया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब लॉ, अगर इसको हम लोग डिफाइन करें कूलॉम्ब लॉ क्या है, सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब लॉ द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय और इट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो पहला चीज ये हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों को हम लोग अगर मिलाकर देखेंगे, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज के प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हमको हटाना है, तो हमको यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट यूज करना पड़ेगा, इसको हमने क्या नाम दिया, सी डेस, और इस सी डेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम्ब कॉन्स्टेंट बोलते हैं, कूलॉम्ब कॉन्स्टेंट। ठीक है, और ये जो है डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये
किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर जो है कूलम्ब कांस्टेंट क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, कई सारे बुक में यहाँ पर के दिया जाता है, कई सारे बुक में सी दिया है, हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, सी डेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है एक नई चीज पढ़ेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई कंफ्यूजन ना हो करके यहाँ पर हम लोग कूलम्ब कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी डेस से जो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलम्ब लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। दोनों को कंबाइन करके लिखे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ा और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर जो ये डिपेंड करता है। ठीक है, और ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से जब हम लोग वहां पर पढ़ते हैं सो कैपिटल जी प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं और कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। ये हर एक मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, हर एक मीडियम में जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, सो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि कूलम्ब कांस्टेंट के बारे में जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं। कूलम्ब कांस्टेंट जिसको अभी मैंने डिनोट किया था सीरीज। ठीक है, देखो कूलम्ब ने क्या बोला कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स जो होता है वो कहां होता है, इन दोनों चार्जेस को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं एक लाइन से तो इसी लाइन के अलावा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है होता है। ठीक है, सो वेयर इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना हमेशा दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होता है फोर्स हमेशा क्या होता है, उसी के अलावा जो है होता है। ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है हम लोग आगे देखेंगे। तो हमको एक चीज पता है कि एक पॉइंट के अराउंड टोटल सॉलिड एंगल जो होता है वो सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। ठीक है, या मान लो कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये अपने चारों तरफ जो है 4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने चारों तरफ जो है कितना बना रही है, 4 पाई, और उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो है इस दूसरे चार्जेस पर ये सारे 4 पाई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं पहुंचेगी, उसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसको यहां तक पहुंचेगी और इस पर फोर्स लगाएगी, बाकी इधर 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 सारे डायरेक्शन लगेंगी, इस चार्ज पर जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है फोर्स लगाएगी। सो टोटल है 4 पाई, उसमें से अगर एक लाइन को अगर बताना है कि ये लाइन जो है टोटल 4 पाई का कितना पार्ट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4 पाई। ठीक है, जैसे अगर टोटल हमारे पास 100 लाइन यहां से निकलते होते और अगर मैं एक लाइन को पूछूंगा कि ये जो एक लाइन है वो 100 में से कितना पार्ट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1/100। उसी तरीके से 4 पाई इस पॉइंट के अराउंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इस लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई। ठीक है, सो कूलम्ब कांस्टेंट में एक चीज हमारे पास आया, 1/4 पाई। ठीक है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं मीडियम में, तो हमको समझना है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कूलम्ब कांस्टेंट जो है किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर जो है डिपेंड करता है, तो किस तरीके से मीडियम पर डिपेंड करता है उसको हम लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये चीज समझ में, 1/4 पाई आता है। अच्छा, इसके बाद दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स जो होता है उसको एक और चीज इफेक्ट करती है, मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले प्रॉपर्टीज को, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्जेस है Q1, ये हमारे पास चार्जेस है Q2, यहां भी हमारे पास एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2। हम लोग देखते हैं जब इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम था हमारे पास मान लो वॉटर, सो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कुछ और था, मान लो 20 न्यूटन,
सेम दो चार्जेस है, अब दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम हमने चेंज कर दिया और दोनों मीडियम के बीच में हमने दोनों चार्जेस के बीच में हमने क्या रख दिया, वुड रख दिया। तो हमने देखा कि दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो गया, 15 न्यूटन हो गया। ठीक है, मतलब कूलम्ब ने जो हमको रिलेशन बताया था फोर्स निकालने का, वो जो फोर्स है वो एक और प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है मीडियम की, और ये मीडियम क्या करती है, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स को अफेक्ट करती है। सो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करती है, वो प्रॉपर्टी उस मीडियम की क्या कहलाती है, परमिटिविटी कहलाती है। ठीक है, एक नया चीज अभी हमने देखा, परमिटिविटी। ठीक है, सो परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको वो मीडियम हमेशा क्या करती है, इफेक्ट करती है, और वो मीडियम उसको जितना इफेक्ट करेगी वो उस मीडियम की क्या कहलाएगी, परमिटिविटी कहलाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं परमिटिविटी क्या होता है। सो परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या है, परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम विच अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, मान लो परमिटिविटी को ही समझते हैं, ये एक चार्ज है। ठीक है, इसके अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लाइन जो है बन रही है। मान लो ये पॉइंट चार्ज के अराउंड जो है 500 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बन रही है, या अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं लेते हैं, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है जहां से 100 धागे निकल रहे, स्ट्रिंग 100 स्ट्रिंग जो है यहां से निकल रही है। ठीक है, ये जो है 100 स्ट्रिंग जो है इस दूसरे बॉडी को खींचने के लिए यहां से निकल रही है। इसको अभी थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, फिर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और चार्ज के बेसिस पर भी इसको देखेंगे। ठीक है, सो ये एक बॉडी है जहां से 500 स्ट्रिंग जो है इसको पकड़ने के लिए निकल रही है। सो यहां से निकली 500 स्ट्रिंग, लेकिन जब हम यहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि 500 स्ट्रिंग यहां से तो निकला इसको पकड़ने के लिए, लेकिन 500 में से सिर्फ 300 जो है यहां पर पहुंचे, बाकी 200 कहां गए, तो बाकी 200 मीडियम ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक कुछ ना कुछ मीडियम है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, जो भी हमारे पास है। तो इस मीडियम ने क्या किया, 200 को अपने पास क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्ब जो किया मीडियम ने, ये इस मीडियम की क्या कहलाएगी, परमिटिविटी कहलाएगी। ध्यान से समझना। ठीक है, मीडियम जितनी प्रॉपर्टीज में जितने को अब्सॉर्ब करती है, वही उस मीडियम की क्या कहलाती है, परमिटिविटी जो है कहलाती है। ठीक है, सो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो गई, 200 हो गई। ठीक है, समझ में आया जी। और परमिटिविटी को जो है हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल से एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन। समझ में आया, परमिटिविटी क्या है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स को कितना कम कर देता है या उसको कितना एब्जॉर्ब कर देता है, वो एब्जॉर्प्शन करना ही क्या कहलाता है, उस मीडियम की परमिटिविटी जो है कहलाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको परमिटिविटी समझ में आ गया तो आगे के लिए जितने भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सब आपके लिए इजी हो जाएंगे। हमने क्या किया, 3 पर्सन चूज की, पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3। हमने तीनों को जो है 100 रुपए दिया और हमने बोला कि जाओ भाई तुमको अगर भूख लग रहा है या जो काम करना है 100 रुपए में तुम जितना खर्चा कर सकते हो खर्चा कर लो, और बाकी जो बचेगा उसको मेरे को वापस लाके रिटर्न कर देना। ठीक है, इधर लाके मेरे को रिटर्न कर देना। सो पहला बंदे ने सोचा कि बहुत जोर से भूख लगी है, 100 रुपए दिया हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से क्या करता हूँ, इसमें खा लेता हूँ। ठीक है, सो इसने जो है क्या किया, 60 रुपीज जो है खर्च कर लिया या 60 रुपीज अपने पास रख लिया या खा लिया जो भी किया। ठीक है, वो वापिस लाके रिटर्न मेरे को कितना किया, 40 जो है लाके उसने मेरे को रिटर्न किया। ठीक है, दूसरे को भी मैंने 100 दिया था, लेकिन इसने क्या किया, इसको बड़ी तेज से भूख लगी थी तो ये 80 रुपीज खर्च कर दिया और वापिस मैंने कितना रिटर्न किया, 20 रुपीज किया। तीसरा बंदा जो था
इसको ज्यादा भूख नहीं लगी थी तो इसने सिर्फ 30 रुपीज खर्च किए और मेरे को इधर 70 रुपीज ला के वापिस रिटर्न कर दिया। ठीक है, सो ये जो बीच वाली जो वैल्यूज है वो क्या है, उतना पर्सन ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इसने 60 रुपीज क्या किया, खर्चा किया, एब्जॉर्ब करके रख लिया अपने पास। इसने 80 रुपीज अपने पास रख लिया एब्जॉर्ब करके। इसने 30 रुपीज अपने पास रख लिया एब्जॉर्ब करके। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पर्सन वन की परमिटिविटी कितनी है 60, पर्सन टू की परमिटिविटी कितनी है 80 और पर्सन थ्री की परमिटिविटी कितनी है 30। सो जितना चीज वो जो है एब्जॉर्ब किया हुआ है वो उसकी क्या है, परमिटिविटी। अब इस पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं मीडियम से। ठीक है, मीडियम से जो है रिप्लेस कर देते हैं। ये तीन चार्जेस हैं, इसके पास 100 कूलम है, इसके पास 100 कूलम है और इसके पास भी 100 कूलम है और यहां से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है निकल रही है इसको पकड़ने के लिए, दूसरे चार्जेस को पकड़ने के लिए यहां से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहां से भी 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहां से भी 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है निकल रही है। मान लो पहले कंडीशन में जो है दोनों चार्जेस के बीच में हमने किसको रख दिया, वाटर को रख दिया दोनों। अब सेकेंड कंडीशन में दोनों चार्जेस के बीच में हमने मेटल को रख दिया। तीसरे कंडीशन में दोनों चार्जेस के बीच में हमने पेपर को रख दिया। ठीक है, सो जब दो चार्जेस के बीच में हमने वाटर को रखा तो यहां से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी लेकिन सिर्फ कितनी पहुंची, 40 पहुंची। सो कितने एब्जॉर्ब हो गए, 60 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एब्जॉर्ब हो गए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वाटर की परमिटिविटी कितनी है 60, उसने जितना एब्जॉर्ब किया वो उसकी क्या है, परमिटिविटी। दूसरा कंडीशन है इन दोनों चार्जेस के बीच में जब हम लोग मेटल को लेकर आए तो हमने देखा कि मेटल जो है 80 एब्जॉर्ब किया और 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलग किया। ठीक है, सो उसने कितना एब्जॉर्ब किया, 80 एब्जॉर्ब किया। तो ये जो 80 है वो इस मेटल की क्या कहलाएगी, परमिटिविटी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद जब हमने दो चार्जेस के बीच में पेपर को लेकर आया तो हमने देखा कि पेपर ने जो है कितना एब्जॉर्ब किया, 30 एब्जॉर्ब किया और 70 जो है यहां पर क्या किया, यहां पर अलाउ किया। यहां से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी, 30 अपने पास रख लिया और 70 जो है इधर पहुंचा। सो हम लोग क्या बोलेंगे, इस पेपर की परमिटिविटी कितनी है, 30। ठीक है, सो जो मीडियम जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब करता है वो उस मीडियम की क्या कहलाती है, परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों में देखो किसकी परमिटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा परमिटिविटी कितनी है, इसकी है, मेटल की है, मेटल के बाद किसकी है, वाटर की है और उसके बाद किसकी है, पेपर की। ठीक है, वापिस से ये कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो है हर एक मीडियम की जो है परमिटिविटी आपको दी गई है, कोई ऑफिस में आगे जब पढ़ूंगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, सो ये जस्ट एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। ठीक है, वो ये हो गई परमिटिविटी। अब दूसरा चीज देखो, ये तो हो गया हमारा परमिटिविटी। अब सबसे ज्यादा जो है फोर्स इसमें से कौन सा लगेगा, इधर से तो इनपुट हमारे पास कितना था, सब 100 ही था, 100 स्ट्रिंग यहां से या 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर निकल रही थी। इधर जो आउटपुट जो हमको मिला या जो आउटपुट मीडियम को क्रॉस करके जो पहुंचा उसमें सबसे ज्यादा किसमें पहुंचा है, सो देखो सबसे ज्यादा किसमें पहुंचा, 70 में। ठीक है, और सबसे कम किसमें पहुंचा, इसमें दूसरे मीडियम में। सो इन दोनों में एक रिलेशन मिले थे, यहां पर ये 30 है सबसे कम तो आउटपुट क्या है, सबसे ज्यादा। यहां पर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है तो आउटपुट क्या है, सबसे कम। मतलब इस मीडियम की परमिटिविटी कम है तो फोर्स लगने वाला क्या है, दोनों के बीच में मैक्सिमम। इन दोनों के बीच की परमिटिविटी ज्यादा है तो लगने वाला फोर्स क्या है, कम है। मतलब एक चीज हमको समझ में आई कि परमिटिविटी और फोर्स जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही कम होगा। जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी कम होगी उस पर उस कंडीशन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो फोर्स और परमिटिविटी दोनों कैसे है, अपोजिट है एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो दो चार्जेस के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स किस मीडियम के आने से लगेगा, सो आंसर है पेपर के आने से सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा,
फिर वाटर से, फिर उसके बाद सबसे कम फोर्स कहां लगेगा, मेटल से, ठीक है। सो यहां पर हमने एक और चीज यहां पर ऐड की कि कूलम कांस्टेंट जो है परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, और परमिटिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, वो उसका इनवर्स भी होता है। ये चीज समझ में आई। सो c इज इक्वल टू हमने क्या डिराइव किया, 1/4 pi epsilon, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी तो एक और चीज छूट गया हमारा कि हमने कूलम कांस्टेंट का जो है यूनिट नहीं निकाला, ठीक है। सो अभी निकाल लेते हैं और परमिटिविटी का भी यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट, ठीक है, वहां पर जाना चाहिए था, चलो छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। सो हमारे पास क्या आया था, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ डेस क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। हमको इस सी डेस का क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। So, अब देखो यहां पर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, सी डेज का यूनिट तो हमको चाहिए, क्यू वन का क्या हो जाएगा, सी चार्ज, कूलम कूलम, देखो इसलिए मैंने यहां पर सी डेज लिखा, ठीक है, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो कंफ्यूजन ना हो करके हमने उसको सी डेज लिया। आर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का डिस्टेंस को किससे लेते हैं, मीटर से, तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। नाउ सी डेज का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर जाएगा मल्टीप्लाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी और सी क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर जाएंगे, सो यूनिट क्या निकला कूलम कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा कूलम्ब कांस्टेंट का यूनिट। अब हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, ये जो एसी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया इसका यूनिट। अब इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सो न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी की पावर माइनस टू, और मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एल की पावर में टू, पर कूलम स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ए टी की पावर माइनस टू या कूलम स्क्वायर, इसको जो है हम लोग डिवाइडेड बाय कर लेते हैं ऐसा, तो कूलम स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन थोड़ी कि कूलम स्क्वायर का कहां से आया, अरे भाई Q is equal to I T पढ़ो इधर टेंथ में, then Q is charge, I is current, T is time, तो current का यूनिट क्या होता है एम्पियर, टाइम का यूनिट क्या होता है T, तो स्क्वायर तो ए टी का स्क्वायर। सो यहां पर सब वैल्यूज को रख देते हैं, तो न्यूटन के लिए एम एल टी की पावर माइनस टू इंटू मीटर स्क्वायर, सो एल स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है, कुछ कंसिडरेशन तो नहीं हो रहे हैं। सो एम एल की पावर में थ्री, टी की पावर में माइनस फोर, या माइनस टू पर प्लस टू पर जाकर माइनस टू हो जाएगा, और ए की पावर में माइनस टू, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है। अब परमिटिविटी का देख लेते हैं, यूनिट क्या हुआ, देखो सीडीएस यहां पर सीडीएस का 1/4 pi epsilon naught है, सो यूनिट निकालते हैं परमिटिविटी का जो है यूनिट। सो देखो सीडीएस का जो भी हमने निकाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 1/4 pi क्या है, कांस्टेंट है, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो बचा जाएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का ही हमको यूनिट निकालना है, सो इनका दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। सो जैसे इसका इसका यूनिट जो है एप्सिलॉन का यूनिट क्या था,
कूलम्ब कांस्टेंट का उल्टा था, इसी तरीके से डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। उसका डायमेंशनल फार्मूला लगा तो उसका उल्टा लिख दो, m माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर में फोर और a की पावर में टू, ये उसका क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, कूलम्ब कांस्टेंट का उल्टा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग और चेक करते जाते हैं कि ऐसा कौन सा मीडियम है जहां पर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कौन से मीडियम में मैक्सिमम होता है। हम लोग हर एक पॉइंट पर, हर एक मीडियम पर जो अलग अलग मीडियम है, क्या है, वुड, मेटल, प्लास्टिक, रबर, ये सब रख के देखते गए, चेक करते गए कि किस पर जो है कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो हम लोग कूलम्ब फोर्स को क्या लिख सकते हैं, काम आगे लिख लेते हैं, तो वो कौन सा मीडियम है जहां पर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। तो हमने एक ऐसा लोकेशन या ऐसा स्पेस ढूंढा जहां पर जो है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और उस स्पेस का नाम है फ्री स्पेस। ठीक है, हमने उसका नाम क्या दिया, फ्री स्पेस। सो एक चीज हमको पता है कि जैसे ही हम लोग अर्थ के सर्फेस से ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर जो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, बिल्कुल भी जीरो हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। सो हम लोग यहाँ पर जो है वैक्यूम वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्यूम मतलब हमको वहां पर ये चीज नहीं पता है कि वैक्यूम में जो है मटेरियल प्रेजेंट या पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन हम लोग फ्री स्पेस को ऐसा कंसिडर करते हैं या ऐसा लोकेशन बोलते हैं जहां पर जो है दो चार्जेस के बीच में, या फ्री स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता, यह हमारा सिंपल सा है। सो वैक्यूम वर्ड क्यों यूज किया, समझ रहा है, क्योंकि वैक्यूम मतलब क्या होता है कि वहां पर जो है तो मतलब पार्टिकल जो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन फ्री स्पेस मतलब एक ऐसा स्पेस है जहां पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। और हमने देखा कि फ्री स्पेस पर ही क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, परमिटिविटी होता है। ठीक है, सो फ्री स्पेस में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो फोर्स मैक्सिमम होगा मतलब परमिटिविटी उस मीडियम की क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा एथ क्या होगा उतना ही बड़ा होगा। सो हम लोग यहां पर जो है एक नया सिंबल यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, विच इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और फ्री स्पेस पर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम इन फ्री स्पेस, फोर्स इज मैक्सिमम। अगर फोर्स मैक्सिमम है सो एप्सिलॉन को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। सो इन फ्री स्पेस फोर्स इज मैक्सिमम एंड परमिटिविटी इज मिनिमम। पूरी दुनिया में जितने भी मीडियम है सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, फ्री स्पेस की जो है होती है, परमिटिविटी इज मिनिमम। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि फ्री स्पेस में जो फोर्स रहता है दो चार्जेस के बीच में वो मैक्सिमम होता है, और उसी फ्री स्पेस में जो है परमिटिविटी जो होती है उस फ्री स्पेस की वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कैसा रिश्ता है, ठीक है, इनवर्सली। ठीक, सो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू जो होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने कंसीडर किया, हमने वैल्यू फाइंड किया, तो वो हमको मिला 8.85 × 10⁻²² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है इतना जो है इसका वैल्यू होता है, ये फिक्स्ड इसको हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि एक और नई चीज देखेंगे हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी,
ये क्या है देखो, रिलेटिव परमिटिविटी नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग परमिटिविटी को क्या करेंगे, किसी दूसरे परमिटिविटी से जो है रिलेट करके हम लोग हमेशा बताएंगे कि इसकी परमिटिविटी इसके कंपैरिजन में इतना, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक रिलेशन y is equal to 2x, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि यहां पर जो y है वो x का कितना है, 2 टाइम्स, ठीक है। सो मैंने यहां पर जो y को किससे कंपेयर किया, x से कंपेयर किया। उसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी में भी हम लोग क्या करेंगे, हर एक मीडियम की परमिटिविटी को जो है एक स्टैंडर्ड परमिटिविटी से क्या करेंगे, हमेशा कंपेयर करेंगे। और वो स्टैंडर्ड परमिटिविटी हमारी क्या है, एप्सिलॉन नॉट और फ्री स्पेस की परमिटिविटी। सो हम लोग हमेशा किससे रिलेट करेंगे, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अगर आपको कंपेयर करना होगा तो हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, फ्री स्पेस के परमिटिविटी से हम लोग हमेशा इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल से और समझते हैं, जब हमने दो चार्जेस को जो है फ्री स्पेस में रखा, सो हमने वहां पर देखा कि फ्री स्पेस में इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा था, मान लो वो फोर्स है F1 और मीडियम यहां पर क्या है, फ्री स्पेस। अब हमने इन्हीं दो चार्जेस को जो है, ये पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है, इन्हीं दो चार्जेस के बीच में हमने फ्री स्पेस को हटाकर हमने इसके जगह पर क्या रख दिया, पेपर रख दिया, ठीक है। सो हमने देखा कि जब हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में पेपर रखा, तो पेपर रखने से ये जो फोर्स पेपर के कारण जो लग रहा है यहां पर, वो फोर्स इन दोनों में मान लो लग रहा है फोर्स, पेपर के आ जाने से दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो F2। सो हमने देखा कि जब पेपर मीडियम जब दो चार्जेस के बीच में आया, तो ये जो फोर्स था वो पहले वाले फोर्स का कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है। इसका आधा हो गया, फ्री स्पेस में जो फोर्स जो लग रहा था उसका क्या हो गया, ये आधा हो गया, ठीक है, हाफ हो गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, पेपर के आ जाने से फोर्स कितना हो गया, हाफ हो गया। तो हाफ किससे कंपैरिजन में हुआ, सो आंसर है फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स का कितना हो गया, हाफ हो गया। सो यहां पर ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, ये जो नंबर है वो क्या बता रहा है, इस पेपर की परमिटिविटी, कि इस पेपर की परमिटिविटी कितनी है, 2 है, ठीक है। जैसे अगर हमने दो चार्जेस के बीच में जो है, अब हमने किसको रख दिया, वुल को रख दिया, और हमने देखा कि इस वुल को दो चार्जेस के बीच में रखने से फोर्स जो है 1/10 हो जाता है। किसका 1/10, फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स का 1/10 हो जाता है। सो यहां पर अब जो ये डिनोमिनेटर है वो किसकी परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ वुल की, ठीक है। सो फ्रैक्शन में जो भी रहेगा उसका डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा, वो नंबर आपको हमेशा क्या बताएगा, उस मीडियम की परमिटिविटी को हमेशा वो बताएगा। ये चीज समझ में, ठीक है। सो फोर्स 1/20 हो गया, फोर्स 1/30 हो गया, फोर्स 1/50 हो गया, 1/45 हो गया, किसके कंपेरिजन, सो फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स के कंपेरिजन में वो उतना हो गया, ठीक है। सो डिनोमिनेटर हमेशा क्या बताएगा आपको, उस मीडियम की परमिटिविटी जो है बताएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमको रिलेटिव परमिटिविटी की जरूरत क्यों पड़े, ठीक है। सो देखो भाई, मान लो ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हैं और दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 3×10⁻¹⁰ N फ्री स्पेस में। अब इन्हीं दो चार्जेस के बीच में हमने फ्री स्पेस वाले मीडियम को हटाकर जो है इन दोनों के बीच में जो है हमने पेपर रख दिया, और पेपर रखने के बाद हमको फाइंड हुआ कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, 2.25×10⁻¹⁹, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप बता सकते हो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन ये जो नंबर जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ये नंबर आपको इमेजिन नहीं हो पाते कि 3×10⁻¹⁷ मतलब कितना है। जैसे कि अगर मैं आपको 1 kg बोलता हूं, तो 1 kg बोलने से आपके माइंड में समझ में आ जाता है कि हाँ इतना भारी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 kg बोलते हैं। उसी तरीके से ये 3×10⁻¹⁷ कितना है और पेपर के आ जाने से फोर्स कितना कम हो गया, ये चीज हमको समझ में नहीं आती इस नंबर से। लेकिन अगर मैं इसी को आपको दूसरे लैंग्वेज में बोलूं कि फ्री स्पेस में जो फोर्स जो लग रहा था, अब पेपर मीडियम आ जाने से फोर्स कितना हो गया, उसका 1/5 हो गया,
तो मतलब यहां पर हमको एक चीज समझ में आती है कि जो भी फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था, जब पेपर आया तो पेपर के आ जाने से वो फोर्स कितना हो गया, 1/5 हो गया। मतलब हाँ, हमको तो थोड़ा सा समझ में आया कि जो भी फोर्स लग रहा होगा उसका 1/5 हो गया। तो ये समझना हमारे लिए इजी था, दैट्स व्हाई हमने इसको चूज किया रिलेटिव परमिटिविटी 1/10, 1/5, ये समझना हमारे लिए ज्यादा इजी था। ठीक है, सो इसको डिफाइन कर लेते हैं। अभी तो हमने थ्योरेटिकली बात की, मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है ये वाला, तो हम लोग यहां पर इसको यूज करेंगे 1/4πε0, क्योंकि एप्सिलॉन क्या करेंगे फ्री स्पेस का, इनटू दो चार्जेस है q1 q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r2, फोर्स इन मीडियम, सो 1/4πε0 यहां पर क्या यूज करेंगे मीडियम। ठीक है, ये हो जाएगा q1 q2 अपॉन r2, ये पूरा टर्म कैंसिल, 4π कैंसिल, सो हमारे पास क्या बचा 1/ε0 1/ मीडियम बाय मैथमेटिकली ये क्या हो जाएगा मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो ये मिल गया हमको इन दोनों में रिलेशन। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया रिलेटिव परमिटिविटी का ऑफ मीडियम का रिलेशन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है इसको हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आगे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है क्या होता है। ठीक है, सो के जो है क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ में आया। सो अब ये जो हमारा जो फॉर्मूला है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ मीडियम को एफएम लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं, या इसी को देखो अगर मैं यहां से एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इसी फॉर्मूले को मैं कैसा लिख सकता हूं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं के। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/4πK या एप्सिलॉन नॉट इंटू के q1 q2 अपॉन r2। ठीक है, सो एक ही फॉर्मूला है उसको हम लोग कई तरीके से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होगी। सो यहां पर देखो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम था तो फोर्स कहां था, मीडियम नीचे था, मतलब यहां नीचे मीडियम यहां भी मीडियम, मतलब अगर मीडियम के निकाल रहे हैं तो मीडियम को नीचे होना पड़ेगा, तो अगर फ्री स्पेस के निकाल रहे तो भी क्या होना पड़ेगा फ्री स्पेस को नीचे होना पड़ेगा। सो फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन फ्री स्पेस, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है 1। सो यहां पर के की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो गया 4πε0 q1 q2 upon r2। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, समझ में। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है, तो हमेशा आपको याद रखना है फ्री स्पेस का जो है 1 होता है। ठीक है, और हमको एक और चीज पता है कि फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होता है फ्री स्पेस में ही होता है। ठीक है, और परमिटिविटी उसकी क्या होती है उतनी ही कम होती है। सो ये सबसे कम परमिटिविटी है। सो एक चीज यहां पर हम लोग और बोल सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी जो होगी वो ये और जो हो गई वो ऑलवेज क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि सबसे कम परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती है। ठीक है, और फोर्स मैक्सिमम होता है, और किसी भी मीडियम को ले आओ आप दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स हमेशा फ्री स्पेस के कंपैरिजन में कम ही होता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। तो फोर्स के कम होने के लिए परमिटिविटी को ऑफ मीडियम को क्या होना पड़ेगा बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है,
सो ये हो गया ऑल अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी. यूनिट्स पढ़ लिया हमने, कूलम्ब यूनिट्स पढ़ लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लिया. हाँ ठीक है, अब आते हैं कि जैसे कि अभी हमने बोला था कि कूलम्ब फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो है ये क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन ध्यान से देखो कि ये जो फोर्स जो लग रहा है यहां पर, ये फोर्स जो लग रहा है इसमें एक के फॉर्मूले में कहीं पर भी हमको कोई वेक्टर क्वांटिटी नजर नहीं आ रही, वेक्टर के फॉर्म में हमको नहीं दिख रहा है ये वेक्टर कहां है. सो हमको क्या करना है, फोर्स को जो है वेक्टर फॉर्म में बताना है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो हमको कूलम्ब्स लॉ में भी हमको इस रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेक्टर हमको दिखाना ही पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ. ठीक है, सो कूलम्ब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी समझ में, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी लेकिन इस रिलेशन से हमको समझ में नहीं आ रहा था 1/4πε0 इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, आर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कैसे उसको एक्सप्रेस करें. सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसको वेक्टर फॉर्म जो है उसको करते हैं. ठीक है, सॉरी आर की डिस्टेंस जो होता है वो वेक्टर होता है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको स्पेशली वेक्टर फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करें. ठीक है, सो दो चार्जेस है हमारे पास, यहां है Q1, यहां पर हमने रखा Q2. ठीक है, अब अगर हमको Q1 से Q2 का डिस्टेंस और Q2 से Q1 का डिस्टेंस अगर हमको बताना है, या इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूं बोलूं कि हमको इसका पोजीशन वेक्टर बताना है. ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर बताने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है हमारे पास कि हम लोग क्या लिखेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम लोग एरो लगाएंगे दोस्तों, R12 लिखेंगे कि R21 लिखेंगे, ऐसा कोई हमारे पास एनसीईआरटी में कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि अगर इधर से इधर जा रहा है इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. सो हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पोजीशन वेक्टर को जो है याद रख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे. सो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं आपको याद रखने के लिए, ये जो एरो है किधर जा रहा है, 2 की तरफ, और स्टार्ट कहां से हुआ है, 1 की तरफ. तो इस पोजीशन वेक्टर का नाम हम क्या रख देंगे, R21. तो पहला नंबर पोजीशन वेक्टर का क्या बताता है, टूवर्ड्स, दूसरा नंबर क्या बताता है, कहां से वो स्टार्ट हुआ, फ्रॉम. ये चीज समझ में आपको. ठीक है, अब उसी तरीके से अगर एरो इधर से इधर आ रहा होगा, एरो इधर से इधर आ रहा होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, किधर इंडिकेट कर रहा है, 1 की तरफ, और स्टार्ट कहां से हुई है, 2 की तरफ. ठीक है, सो अभी हम लोग दोनों में से एक को ही जो है लेते हैं. सो पोजीशन वेक्टर में जो है हमेशा पहला नंबर किसको इंडिकेट करना है आपको, टुवर्ड्स, और दूसरा नंबर हमेशा किसको इंडिकेट करना है, फ्रॉम. ठीक है, अच्छा अब ये जो Q1 और Q2 है दोनों मान लो सेम चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, रिपल्शन फोर्स लगाएंगे. ठीक है, सो Q1 जो है Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और Q2 जो है Q1 में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. अब हमको इस फोर्स का अलग अलग नाम देना है क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अलग है. ठीक है, Q1 इस पर लगा है, Q2 इस पर लगा है, तो हमने फोर्स का जब नोमेनक्लेचर किया तो मैं यहां पर आपको वापस एक ट्रिक बता देता हूं कि इस फोर्स का नाम क्या होगा, F21. ठीक है, और इसमें पहला नंबर किसको बताएगा, फोर्स ऑन, और दूसरा नंबर किसको बताएगा, बाय. ठीक है, सो इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन 2/1. इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन 1/2. ठीक है, उसी तरीके से मान लो दो चार्जेस है, दो तीन चार्जेस है हमारे पास, Q2 Q3 Q4. अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर इज फोर्स 1/4, तो आपको क्या करना है, 1/4 को ज्वाइन करना है क्योंकि फोर्स हमेशा कहां होता है, अलोंग द लाइन. सो 1/4 को हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन किया, और पहला नंबर किसको बताता है, फोर्स ऑन, और दूसरा नंबर किसको बताता है, बाय. तो ये हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे इस फोर्स का नाम पूछूंगा तो इस फोर्स का नाम क्या होगा, देखो फोर्स ऑन इधर लग रहा है, 2 पर लगाने वाला कौन है, 1. ठीक है, इस फोर्स का नाम क्या होगा, तो फोर्स किस पर लग रहा है, 3 पर लगाने वाला कौन है, 2. ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका जो है नाम जो है रखेंगे. सो पोजिशन वेक्टर में हमेशा पहला नंबर किसको बताएगा, 2 को, दूसरा नंबर किसको बताएगा, फ्रॉम को, और फोर्स में पहला नंबर किसको बताएगा, ऑन, और दूसरा नंबर किसको बताएगा, बाय को, जो है ये बताएगा. ठीक है, सो अब हमको क्या करना है कि फोर्स को जो है वेक्टर क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. सो F21 को जो है हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, सो कूलम्ब से हमको उस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, 1/4πε0 Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये हमको पता है, लेकिन हमको डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो जब भी किसी मैग्नीट्यूड को अगर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना है बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए, तो हमेशा याद रखना उस मैग्नीट्यूड में आपको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर का जो है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर के आ जाने से उसको क्या मिल जाएगी, ये डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। सो F21 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। अच्छा, अब क्या मैं ये जो R स्क्वायर है इसको ऐसा लिख सकता हूं, R21 वेक्टर और मॉडुलस का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो भी मैग्नीट्यूड था, ये भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन क्यों की है, ताकि उसको क्या मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, और यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है 11th में पढ़े होंगे, फुल वेक्टर अपॉन में उसका मॉडुलस, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं फुल वेक्टर R21 मॉडुलस ऑफ R21, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होगी, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यू, और ये हो जाएगा फुल वेक्टर R21। अब देखो, अब फोर्स जो है हमको लग रहा है कि हाँ वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि हम लोग को भी इधर भी वेक्टर दिख रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फोर्स का डेरिवेशन, ठीक है। सिमिलरली आप मेरे को बता दो कि क्या होगा F12 क्या होगा, सो सिंपल सा चीज यार, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, देखो यहाँ 2-1 था, यहाँ भी 2-1 था, यहाँ कितना हो जाएगा R12 मॉड्यूलस ऑफ R12 का होल क्यूब, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना था, डायरेक्शन दिखाना था, दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो गया, वेक्टर में जो है चेंज हो गया। अब एक चीज देखो लास्ट है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं R12 is equal to R21 क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। सो वी कांट राइट, क्यों, डिस्टेंस सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन इसको चाहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ R2 वेक्टर में पड़े थे, कि अगर दो वेक्टर अपोजिट है माइनस सेम लगा तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो देखो यहां पर ये और ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस डायरेक्शन इनका अपोजिट है। सो वी कैन राइट F12 is equal to minus of F21, मतलब Q1 चार्ज Q2 पर जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स Q2 चार्ज Q1 पर भी लगाता है, बस चेंज क्या है, डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। सो फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो ये होगा हमारा चैप्टर फ्रॉम, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक बाय बाय, अच्छे से पढ़ो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप स्क्रीन में मिल जाएगा, आपको दिखेगा, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जिसको भी फिलहाल में क्लासेस चाहिए, रेगुलर क्लासेस चाहिए, वो भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्लासेस में फिलहाल में लेता हूँ। और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो बाहर से है, जिनको समझ में आ रहा है आगे आपसे पढ़ना है, वो भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू।